गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में वार्षिक समागम प्रिंसिपल मैडम ललिता अरोड़ा के नेतृत्व में समूह स्टाफ छात्राओं के सहयोग से हर्षोल्लास से करवाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मैडम विभा शर्मा, पत्नी कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा शामिल हुए। इस समागम की शुरुआत मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों की ओर से ज्योति प्रज्वलित करके की गई। इस अवसर पर स्कूल की लड़कियों ने शब्द गायन कर समागम आरंभ किया। बच्चों की ओर से धार्मिक, सभ्याचारों और अन्य आइटम्स बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किए गए। मैं आप सब लोगों को ब्रीफ करना चाहता हूँ वर्धमान की फिलॉसफी के बारे में। हम एज ए कॉर्पोरेट सिटीज़न कोशिश ये करते हैं कि अपने एजुकेशनल एरिया के अंदर, एनवायरमेंटल एरिया के अंदर एंड अपलिफ्टमेंट के अंदर हम इस क्षेत्र हैं, और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हमारे एजुकेशन साइड में है, बिकॉज जो बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, जो बच्चों के लिए ग्रो करने के लिए इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है, उनको हम फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के माध्यम से। एंड उसी माध्यम से इस स्कूल में भी हम पिछले 4 साल से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे एरियाज़ के अंदर हमने एफर्ट किए हैं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट रहे, बच्चों को फैसिलिटीज़ मिले जिसमें वो अच्छी एजुकेशन ले सकें, अच्छा एनवायरनमेंट ले सकें जिसके अंदर वो आगे बढ़ें और अच्छे सिटीजन्स बने कंट्री के, और अपने वैल्यूज़ और अपने फैमिलीज़ को अपग्रेड करें। तो ये हमारा एफर्ट कंटिन्यू रहेगा आगे भी, एंड वील रिमेन एसोसिएटेड विद वेरियस स्कूल्स, जो होशियारपुर में जहाँ हमारी मेन मिल है और हमारे वर्कर्स भी हैं और हमारे सारे स्टाफ लोग भी रहते हैं। तो हम इस सिटी से बहुत डीपली जुड़ना चाहते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना चाहते हैं। ਅਸੀਂ ਵਰਧਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਲਲਿਤਾ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਧਮਾਨ ਦੀ CSR ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੁਛ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਬਾਇਓ ਅਤੇ ਕਮਿਸਟਰੀ ਲੈਬ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਂਟ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 2016-17 'ਚ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਲਮੋਸਟ 100 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਾਖ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਰਧਮਾਨ ਦੇ ਐਫਰਟ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਨੀ ਅੰਥਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਐਨੂਅਲ ਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇਨੈਗੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਬਸ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੈਬਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਵਿਭਾ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਡਿਗਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ।
आफ्टर मेरे स्कूल डेज मेरा फर्स्ट विजिट है किसी स्कूल भी मैं विजिट कर रही हूँ, तो मैंने जो लैब्स देखे हैं आज यहाँ पे और जो स्कूल का एनवायरनमेंट मैं देख रही हूँ और जितनी क्लीनलीनेस और नीटनेस मैं देख रही हूँ, सो ऑल क्रेडिट गोज टू द प्रिंसिपल मैम मिस ललिता अरोड़ा एंड द स्कूल स्टाफ एंड इंस्टीट्यूट जो इनको इतनी हेल्प कर रही हैं, जो अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही हैं, तो इसको देख के मैं बहुत खुश हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि सिंस माई हस्बैंड इज़ नाउ कैबिनेट मिनिस्टर, तो हम भी अपनी तरफ से जो भी गवर्नमेंट की वो होंगी इनकी जो भी आएंगी पॉलिसीज उसके थ्रू मतलब हेल्प करने की कोशिश करेंगे। मैम वर्तमान ग्रुप की शिक्षा के प्रति समर्पण को किस तरह देखते हैं आपने? ये तो उनको आपके हेड ही बताएंगे, मैं तो फर्स्ट टाइम, उन्होंने जितना भी कंट्रीब्यूट किया और जो मैं देख रही हूँ अभी जो लैब्स बने हैं यहाँ पे, तो इट्स वेरी कमेंडेबल, तो थैंक यू फॉर।